दिल्ली पे राज करेगा। सारण के लोगों, आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी आपके बीच में पहुंचे हैं। अभी लिफ्ट से ऊपर आने वाले सम्मान साथियों, सभी लोग अनुशासन से बड़े उत्साह के साथ में आप लोग इकट्ठे हुए सम्मानित साथियों, सदगुरु शरीर के मंदिर पर आज सच्ची निष्ठा से आप लोग श्री धर्मपाल सिंह टीकरा को चुनाव में जिताने के लिए सभी लोग बड़ी हिम्मत से लगे हुए हो और हमारी माता बहने सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी भाई विशु उपराजा सभी लोग सारण साहब आजा मेरी सारण साहब का सारण गांव है। हम वैसे तो कभी दावत पे नहीं बुलाया सारण साहब ने, लेकिन आज और डॉक्टर साहब आज सारण साहब के गांव में अपने आप ही आना पड़ा है। तो सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर ये लड़ाई इस टाइम अच्छाई बुराई और सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मांगती जी के विश्वास पात्र और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, युवा दिनों की धड़कन, उनके लिए मैं जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत चाहता हूं। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों मैं आपके बीच में एक हमारे बीच में सरदार जी हैं, नहीं एक और है। मैं सोच रहा था मैं सरदारों पे एक कहानी छोटी सुनाऊंगा एक मिनट की, शाम का टाइम नहीं चाहता हूं।
मेरे घर में एक बार शुरू शुरू में ये पर्दे सप्ते से हमारे पंजाब के जसवीर सिंह गड्डी जी तो चले गए, वो बच्चे कहने लगे कि पापा जी दो सरदार आए और पांच आदमी आए। मैं कहने लगे भाई आपको नहीं पता मैं पंजाब में रहता हूँ और मेरा प्रदेश अध्यक्ष आया है, मेरे पंजाब से आते हैं तो सम्मानित साथियों वो बड़े शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ पार्टी में काम करते हैं उनको नमन करके आओ। तो बच्चे गए इनके पैर छू के रहते थे। तो सम्मानित साथियों मैं उन्हीं से आग्रह करता हूँ कि दो शब्दों से आपको संबोधित करने का काम करें और अमान्य आकाश आनंद जी का सम्मान करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी एवं नुमाइंदो दल के सभी समर्थक साथियों मताओं बहनों जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी और बहन कुमारी मायावती जी के और बहुजन समाज पार्टी के आने वाले उत्तराधिकार माननीय आकाश बल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर और हमारे प्रभारी साहब बानीवाल जी और यहां चुनाव लड़ रहे धर्मपाल इंदिरा जी और आप सभी को आज गुरु रविदास जी महाराज मंदिर जो बना हुआ है सारण गांव का, तो आज गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं। गुरु महाराज को याद करके सत्य वंदन करिए। जय भीम जय भीम। गुरु महाराज का जो संदेश था वो सारण गांव में और सारण से ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया था। किसी जमाने में मनोज सारण जी जो हमारे मिशनरी कार्यकर्ता है वो यहाँ हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष तक रहेगा। तो इस गांव को बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा कुछ दिया है, तो आप इस गांव की भी ड्यूटी बन जाते हैं, क्योंकि गुरु महापुरुषों ने हमें संदेश दिया था कि ऐसा चाहो लोगों के बीच में रखूं। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी महाराज नारायण गुरु बेरिया रामा स्वामी जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की चार चार बार रही मुख्यमंत्री व कई बार पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं तय उनका आभार प्रकट करता हूं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तारीख को आपको वोट डालने जाना है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी अभी यहां पर हरियाणा प्रदेश में मीटिंग रैलियां शुरू कर दी है,
तो उनकी कुछ पांच छह मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच में मैं बताने आया हूं, जिसको आप अपने गांव गांव में, अपनी गली गली, जहां जहां आप बैठेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, उन्हें प्रचार करने का काम जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहली तो यहां पर कांग्रेस पार्टी जो आप लोगों के बीच में घूम रही है, वो आप लोगों को कह रही है कि भाई हम, आप हमें वोट दो, हम गुस्सा से सत्ता से बाहर है, अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपके लिए लड़ेंगे। परंतु साथियों, आप उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि लोकसभा में भी उन्होंने आपको संविधान का विश्वास दिलाकर कि हम संविधान बचाएंगे ये कहकर आपसे आपका वोट लिया था, परंतु अभी आप लोगों ने, जैसे आदरणीय प्रेम कुमारी मायावती जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को ये ताकत दी है कि राज्य की सरकार अब यह तय करेगी कि एससी एसटी जाति में से किस जाति को आरक्षण की किस जाति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और किसको नहीं, इस आधार पे कि जो जाति पैसे से ज्यादा संपन्न हो गई उसे अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। आदरणीय बहनजी ने इस पर सवाल उठाया था कि भाई आरक्षण की जो मूल भावना है वो प्रतिनिधि दिलाने की है, पूरे समाज को एक साथ बढ़ाने की है, ये कब से पैसा जिस पे जाति पे आ गया, जिस जाति या जिस समाज के लोगों पर पैसा आ गया उसको आदर सम्मान भी इस भारत की जनता ने देना शुरू कर दिया। मंजी ने इस पर सवाल उठाया और कांग्रेस वालों से खासकर पूछा, तो तुमने बड़ी मात्रा में हमारे लोगों को गुमराह करके वोट मांगा था कि आरक्षण बचाओगे, संविधान बचाओगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट पास किया तो तुम्हारे वकील किधर थे? तो जब बहन जी ने यह सवाल किया तो राहुल गांधी जी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, हमारे समाज के बीच में आकर कभी भी उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। क्यों क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को खड़ा करके इसके खिलाफ वकालत नहीं करी? विनस्पत वो विदेश जाते हैं, वहां पे एक लाइन करते हैं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा उस दिन वो हमारे संविधान में से आरक्षण खत्म कर देगी। अब जो कांग्रेस पार्टी अगर आपको एक तरफ ये बोलती है कि हम आपका संविधान के लिए लड़ेंगे, आपका आरक्षण बचाएंगे, और दूसरी तरफ विदेश जाकर जहां अपने लोगों के बीच में बैठकर बोलती है कि जिस दिन अच्छा समय आएगा उस दिन मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, ऐसी पार्टी को क्या आप अपना वोट देंगे क्या? ऐसी पार्टी क्या कभी भी हमारे समाज की एससी एसटी ओबीसी समाज की हितैषी हो सकती है? आदरणीय बहन जी ने इनसे हमें बहुत पहले आगाह किया था और जब लोकसभा में हमारे लोगों ने एक तरफा इनको वोट डालकर इनको भरोसा जताया, उन्होंने दो महीने नहीं लगाए हमारे समाज को धोखा देने के लिए। साथियों, जब कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में है उनसे सवाल कीजिएगा कि क्यों तुम्हारे लोगों ने, क्यों कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी आरक्षण पे इतना बड़ा फैसला हो गया और तुम लोगों ने आवाज नहीं उठाई? उनके मुंह बंद हो जाएंगे, अपने आप को आपका गांव छोड़ के चले जाएंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी कभी भी हमारी नहीं हो सकती। आप जानते हैं कितने बड़े बड़े नेता हरियाणा के भी जो एससी एसटी समाज से आते हैं वो कांग्रेस पार्टी में कहीं जाके बैठ जाते हैं, कहीं भाजपा में जाके बैठ जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक कांग्रेस की नेता थी एससी समाज की, उसके लिए भी कितने अपशब्द इस्तेमाल करे गए, आप सबने देखा। साथियों, जो एससी या एसटी नेता अगर कांग्रेस या भाजपा से भी आप लोगों के बीच में आके बोलता है या जेजेपी या ऐसी दूसरी पार्टियों से आपके बीच में आके बोलता है कि भाई हम आपके हकों के लिए लड़ेंगे, आप उनसे सवाल कीजिएगा कि भाई कांग्रेस, भाजपा या किसी और पार्टी ने आज तक क्या तुम्हें वो सम्मान दिया जो आदरणीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को देने का काम किया है? उनको आप लोग सब जानते हैं कि इतने बड़े नेता होने के बाद भी समाज के उनको मंच पे नहीं बैठने दिया जाता, उन्हें मीटिंगों में मंच से उतारकर नीचे बैठा दिया जाता है, उन्हें कुर्सी नहीं दी जाती, उन्हें जमीन पे बिठा देते जबकि बाकी सब जाति के समाज के लोग कुर्सियों पे बैठे होते हैं। साथियों, जो नेता एससी एसटी समाज के कांग्रेस या किसी और पार्टी में बैठे हैं वो खुद अपना आज की डेट में सम्मान नहीं ले पाते कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस पार्टी या भाजपा के लोग उन्हें सम्मान नहीं देते। जब ऐसे नेताओं का खुद का सम्मान नहीं होता तो आपको लगता है कि क्या वो हमारे समाज के सम्मान के लिए लड़ पाएंगे? ऐसी पार्टी में जो एससी एसटी नेता है वो हमारे बहुजन समाज के हितैषी नहीं है, वो हमारे हकों का, हमारे हिस्से का वोट तो ले लेते हैं परंतु जब उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, विधानसभा में बोलने नहीं देते, मंचों पर बोलने नहीं देते तो वो खाक हमारे लिए, हमारे समाज की औरतों, भाइयों बहनों के लिए कुछ कर पाएंगे? तो उनको वोट देना अपना वोट खराब कराने बराबर है।
रही बात भाजपा वालों की, ये लोग तो 10 साल से सत्ता में बैठे हैं। आदरणीय बहन जी ने इनसे बोला कि भाई तुम 10 साल से सत्ता में बैठे हो, तुमने अपने बच्चों, जो हमारे समाज के बच्चे आते हैं, हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए क्या किया? आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 10 सालों में इन्होंने 5000 से ज्यादा हमारे बच्चों के स्कूल बंद करे, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। जब जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हुए थे, जो छठी सातवीं आठवीं दसवीं क्लास के बच्चे हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हुए थे, 2000 से ज्यादा स्कूल हैं करीब हरियाणा प्रदेश में, उनमें आधे से ज्यादा में तो पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, बंद कर रखे। तो जब हमारे बच्चों के स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, वो बंद कर दिए, हमारे जो बच्चे कुछ स्कूल है वहां पे पढ़ने के लिए टीचर नहीं छोड़े, जो बच्चे किसी तरह कॉलेज में पहुंच गए, तो ये सरकार, भाजपा की सरकार ने हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चों की जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो 2017 से नहीं दिया। वो बच्चे आज की डेट में हमारे पीछे घूम घूम के बोल रहे हैं कि भैया बहन जी से दरख्वास्त करिए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे स्कॉलरशिप का पैसा दिलवाइएगा, हम पढ़ नहीं पा रहे। अब आप भी बताइए, जो सरकार, भाजपा वाले लोग 10 साल से सत्ता में बैठे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ने नहीं देंगे, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, क्या आपको लगता है कि जब हमारा बच्चा पढ़ने नहीं पाएगा तो आगे जाके इनकी गुलामी ही करनी पड़ेगी, हाथ फैलाएगा इनके सामने? इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की पूरी तैयारी करी है। हमारे बच्चे पढ़ ना ले गलती से, हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, और जो बच्चे किसी तरह पढ़ लिख कर निकल गए पहले, आज जब उनसे हम पूछने की बच्चे तेरे को रोजगार मिला, क्योंकि मां बैठी है हमारे यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्ग फादर लोग बैठे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कर्जे लेके उन्हें पढ़ाते हैं, कॉलेज डिग्रियां दिलवाते हैं, अब वो बेचारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, पिछले 10 सालों से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, ना जब बच्चे की नौकरी लगेगी ना वो कमा पाएगा, ना अपनी माँ के लिए राशन ला पाएगा, ना अपने बाप के साथ समाज में घूम पाएगा। हमारी माताओं, हमारे बड़े बुजुर्गों को कितनी तकलीफ होती है जब वो पूछते हैं कि बेटा तो बेरोजगार घूम रहा है, शादी तक नहीं होती, हमारे बच्चों की शादी की उम्रें निकले जा रही है, क्यों कोई घर देता नहीं, कोई अपनी लड़की देती ना देता नहीं, कि भैया बच्चा तो बेरोजगार घूम रहा है, कहां उसको हम अपनी लड़की ब्याहेंगे। इन लोगों ने हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा, इन्होंने ना हमारे बच्चों को रोजगार देने का काम किया, और ऐसा नहीं कि ये रोजगार नहीं दे सकते, आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, परंतु इन्हें वो पद नहीं भरने, चाहे तो हमारे बच्चों को रोजगार दे दे, 2 लाख सरकारी पद भर दे, परंतु वो नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने वो 2 लाख सरकारी पद भरे तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा, तो आरक्षण देने से बचते हैं, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए उससे बचते हैं, ये कौशल विकास निगम योजना चलाते हैं, सारी परमानेंट जॉब, सारी पक्की नौकरियां, कच्ची नौकरियां बना के एक एक साल का ठेका दे देते हैं, इसको दे दिया उसको दे दिया। अब ये बच्चे बेचारे ठेके पे बेचारे काम कर रहे हैं, एक एक साल की कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जरा सी आवाज उठाते कि जी परमानेंट कर दो तो उन्हें दरखास्त कर देते हैं, भगा देते हैं। अब जो सरकार हमारे बच्चों को न पढ़ने देगी, न रोजगार देगी, न इन्हें कमाने देगी, हमारे बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहां? हमारे बच्चों का भविष्य किधर रखा है? जब ये बच्चा कमाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, गुलामी ही करता रह जाएगा। ये चाहते हैं कि हमारा समाज का जो लड़का है या लड़की है, आने वाले समय में इनकी गुलामी करे। अब अगर हमें गुलाम नहीं बनना, हमारे बच्चों ताकि किसी की गुलामी ना करें, जैसा बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, पढ़ लिख कर वो आगे बढ़े, उन्होंने भारत को संविधान दिया, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय करी, उस आरक्षण का हमें पूरा लाभ मिले। तो आदरणीय बहन जी ने जिस तरह यूपी में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन-रात एक करा, आप जानते हैं आदरणीय बहन जी ने ज्योतिबा फूले शिक्षा योजना चलाई थी, जिसमें उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा सारी बच्चियों के लिए मुफ्त में देने का काम किया, और इसकी कीमत बहन जी ने सरकारी खजाने से निकाल के दी, 600 करोड़ रुपए खर्चे थे अपनी बच्चियों पे। पर ये जब इनसे पूछ लो कि भाई तुम्हारा खजाना कहाँ है, तो ये बोलते हैं जी हम तो 3.5 लाख के कर्जे में डूबे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास स्कूल नहीं। एक समय पे चौधरी देवीलाल जी ने जब उनकी सरकार बनी थी, तब उसमें उस वक्त हरियाणा में उनका जो सरकारी खजाना था वो भी भरा हुआ था। तो जब से कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी सरकार में बैठी है, सत्ता में बैठी है, तब से उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे बच्चों को सिर्फ अनपढ़, गुलाम और बेरोजगार रखने का काम किया है। परंतु आदरणीय बहन जी की नीतियां थी, उन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, आज उनको फिर नौकरी देने का काम किया,
आप जानते हैं आदरणीय बहन जी के शासन काल में बहन जी ने 50 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी, 50 लाख से ज्यादा नौकरियां। उन्हें कभी किसी के सामने बच्चों को, यूपी के बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। ना बहन जी के शासनकाल के दौरान कभी ये खबर आई कि भाई सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम दिया था उसका पर्चा जो पेपर है वो लीक हो गया, ऐसी कभी कोई खबर नहीं है। उन्होंने एक तरफा हमारे सब समाज में से सभी भाई बहनों को रोजगार दिया ताकि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा रोजगार पे जाए, काम करे, कमाए, अपनी माता बहनों का, अपने बाप, अपने बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन करे और समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी व्यापन कर सके। परंतु ये सरकार मौका ढूंढती है कि किसी भी तरह हमारे बच्चे को गुलाम, गरीब और अनपढ़ रखे ताकि इनकी गुलामी न छूटे। बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है वोट देने का अधिकार हम सबको बराबर का मिला है, तो अब इनकी गुलामी तो नहीं करनी। मान लिया आप सबने गुलामी तो नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, अब आप वोट तो नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने लाइनों लाइनों में फ्लो फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे। परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव गांव से गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे घर से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। माननीय साहब श्री काशीराम जी का, जब तक आदरणीय भंग कुमारी मायावती जी का मिशन हम पूरा नहीं कर देते, हम सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी जो माननीय साहब श्री काशीराम जी और बाबा साहब को मानते हैं और आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, वो आज ठान ले कि 5 अक्टूबर को जब हाथी का सामने वाला बटन लगाकर अपना पेट भरने का काम करने वाले हैं, बताइए। और जल्द ही इसके बाद फिर यूपी में भी उन्हें बताएंगे कि किस तरह कमल के फूल को हम चबा चबा के खाने वाले हैं, और यह हाथी तब तक पेट नहीं भरेगा जब तक कमल का फूल खा के पचा ना हो। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बातों का जो संदेश मैं लेके आया था आप लोगों के बीच में उनका, आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय बहन जी ने एक नारा और दिया, माननीय साहब ने दिया था, आदरणीय बहन जी ने उसको दोहराया था, तो मैं आपके बीच में एक बार नारा दूंगा। जो हमारे भूमिहीन परिवार हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, उनके लिए आप सब बढ़ने का काम करेंगे और वो नारा दोहराएंगे। माननीय साहब ने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। साथियों, चलेगा हाथी ना रहेगा पंजा। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मान आकाशानंद जी जिंदाबाद, मान आकाशानंद जी जिंदाबाद, आकाशानंद जी आगे बढ़े। सभी लोग अनुशासन के दायरे में आधार जी नीचे आएंगे, जिसको भूल भेंट करना भूल भेंट करें, लेकिन अनुशासन के दायरे में कोई भीड़ भाड़ और जीना जुटी ना गए समाज साथियों। कोई माला डालने का काम करे, कोई नोटों की माला देने का काम करे, हमारे रामकुमार सिंधे जी नोटों की माला देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।